हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ये बेडशीट का डिज़ाइन बनाएंगे। इस डिज़ाइन से आप कुशन कवर, बेडशीट या कुछ भी अपनी इमेजिनेशन से बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो डिज़ाइन हम दो कलर के कपड़े से बनाएंगे। ये मैंने दो कलर का कपड़ा लिया है। कपड़ा हमारा मेजरमेंट में 7 इंच है, इस साइड से भी 7 इंच है। 7x7 इंच के कपड़े के दो ब्लॉक हैं। अब इसकी कटिंग करनी है, तो इस तरह से हमें ये तिरछा लाइन लगा लेनी है। ये लाइन लग गई है। इसके बाद जितना हम सिलाई के लिए कपड़ा लेते हैं, उस हिसाब से हमें यहाँ पर एक और लाइन लगा लेनी है। और ये दूसरी साइड है, यहाँ भी हमें इस तरह लाइन लगानी है। इसके बाद दूसरी साइड है, ये कॉर्नर है, ये भी हमें इसी तरह लाइन लगा लेनी है, जैसे ये लाइन नहीं लगाई है। तो ये हमारी इस तरह से लाइन लग गई है। अब सिलाई करनी है। तो जैसे ये साइड की लाइन है, यहाँ पर सिलाई करेंगे, और ये साइड वाली लाइन है, यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो सिलाइयाँ मैंने लगा दी है, ये साइडों में हमारी सिलाइयाँ आई हैं। इसके बाद हमें इस तरह, ये हमारा जैसे सेंटर है, यहाँ से भी एक लाइन लगानी है, और ये दूसरी साइड का सेंटर है, ये सेंटर की सिलाइयाँ हैं, एकदम बराबर हमारी ये मार्किंग होनी चाहिए। अब कटिंग करेंगे इसी मार्किंग पे, जैसे ये इस तरह से कट कर लेंगे, ये भी ऐसे कट करेंगे। और ये लाइन है सेंटर की, यहाँ से ये पीस कट कर लेने हैं। सारे पीस इसी तरह कट करेंगे। ये कटिंग कर दी है, ये 8 पीस बन गए हैं। ये इस तरह से खुलेंगे पीस, तो इस तरह से ये हमारा पीस रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हमें सारे पीसेस पे प्रेस कर देने हैं खोल के। जैसे ये पीस है, इस तरह से हमें पहले प्रेस कर लेनी है, उसके बाद इससे इस तरह खोल के ऐसे प्रेस करनी है। तो सभी पीस इसी तरह प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद जैसे ये कपड़ा हमारा इस तरह से साइडों में कॉर्नर का निकल आता है, इसे हमें कट कर लेना है। बाकी पीसीज का भी इसी तरह कट कर लेंगे। ये 8 पीस बन गए हैं। अब जैसे बनने के बाद ये रेडी हुआ है, 3 इंच हमारा, यहाँ से भी 3 इंच है। इसके बाद मैंने ये कलर लाइट कलर है, इसके ये 4 पीस लिए हैं। 4 पीस हैं, ये हमारे इस पीस के बराबर हैं। जैसे इस पीस के बराबर लेने हैं, तो मेजरमेंट में लेने हैं, जैसे 3x3 का है ये, तो ये भी 3x3 का लेंगे। और ये भी हमारे 4 पीस हैं, ये भी हमारे इसी साइज के हैं, जो ये हमारे पीस बने हैं इसी साइज के, ये पीसीस हैं। अब इसके बाद ये पीस लिए हैं मैंने, तो ये पीस है, 4 पीस है ये भी, तो ये हमारे 1.5 इंच है, जैसे 1.5 इंच। ये रेड पीस है हमारे 4, तो चारों पे ये इस तरह आएंगे कॉर्नर में, जैसे ये लगाए हैं, बाकियों पे भी ऐसे लगाएंगे। तो ये 4 पीस इस तरह सेट कर दिए हैं। अब इस तरह से हमें यहाँ से ये तिरछी लाइन लगा लेनी है। ये तिरछी लाइन लगी है, इसी तरह बाकी के ऊपर भी हमें इसी तरह तिरछी लाइन लगा लेनी है। तो जैसे इसी डायरेक्शन में हमें लगानी है सारे पीसेस पे। तो इस तरह से ये तिरछी लाइन सारे पीसेस पे लगा दी है। जिस तरह से लगाई है, इसी तरह हमें सिलाई लगा देनी है सभी पीसेस पर। तो ये सारे पीसेस पे मैंने सिलाई लगा दी है। इस तरह से हम एक ही बार में सारे पीसेस पे सिलाई लगा लेंगे, और ये मैं सब अलग कर लूँगी। अब जैसे जितना हम सिलाई के लिए रखते हैं कपड़ा, उतना रख के यहाँ से कटिंग कर लेनी है। सारे पीस इसी तरह कट कर लेंगे। इसके बाद जैसे ये पीस है, इसे हमें इस तरह से ऐसे करना है, और यहाँ पर प्रेस कर लेनी है। इसके बाद हमारा जैसे कपड़ा थोड़ा थोड़ा इस तरह से आगे पीछे हो जाता है, इसे हमें कट करके बराबर कर लेना है। तो जब हम सिलाई करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी सिलाई में। तो इस तरह सारे पीस बराबर कर लेंगे कट के। ये 4 पीस भी रेडी हो गए हैं, सारे पीसेस रेडी हो गए हैं। इनको हम अभी सेट करेंगे। जैसे ये 4 पीस है, इनको लगाना है। तो जैसे एक पीस ये लगेगा, एक इसके साथ में ऐसे लगेगा, ये इस तरह से 4 पीस इस तरह से आ जाएंगे। इसके बाद ये पीस लिए हैं, ये इस तरह से आएंगे, ये हमारा इस तरह आएगा, और ये ऐसे आएगा। तो इस तरह से ये वी शेप बनेगी ऐसे, और ये साइडों में ऐसे आएगा। इसके बाद ये साइडें हैं, तो ये भी हमारा इस तरह से आएगा, ये हमारा ऐसे आएगा, और ये इस तरह से वी शेप बन जाएगी। और ये पीस इस तरह से ऐसे आएगा, ये इस तरह रहेगा, और ये ऐसे, और ये हमारा इस तरह से आएगा, पीस ऐसे आएगा, और ये इस तरह से हमारा स्टार बन गया है।
अब साइडों में ये 3x3 इंच के ये ब्लॉक आएंगे। सारे पीस सेट हो गए हैं, अब इनको हमें सिलना है। तो जैसे ये लाइन है जिस तरह से रखी है उसी तरह हमें सिलना है। इसके साथ ये सिलेंगे, फिर इसके साथ ये सिलेंगे, ऐसे पूरी लाइन सिलेंगे, बाकी की भी लाइनें इसी तरह सिलते हैं। ये सारी लाइनें मैंने सिल दी है, लग लग हमारी सिल चुकी हैं। अब यहाँ पे हमें प्रेस कर लेनी है। प्रेस करने के बाद अगर जैसे ये कपड़ा जैसे हमारा थोड़ा बढ़ गया है, आगे पीछे हो जाता है सिलते टाइम, तो इसको इस तरह से लाइन लगा के एक्स्ट्रा कट कर लेना है सारे पीसेस का। इन पीसेस को इस तरह से सिलेंगे तो कटिंग अगर हमारी जैसे इधर से बराबर आएगा तो ये जो हमारी कॉर्नर है एकदम अच्छे से निकलेंगे, इसलिए यहाँ पे एकदम बराबर कर लेना है हमें। अब इनको सिलना है, ये पीस इसके साथ सिलेंगे और ये इसके साथ। तो दोनों पीस मैंने सिल दिए हैं, अब सेंटर का सिलना है। तो सेंटर का पीस इस तरह से रखेंगे और ये सेंटर की सिलाई है, इस तरह सिलाई लगाएंगे कि ये हमारे जो कॉर्नर है एकदम बराबर आने चाहिए। सिलाई लगाती हूँ, सेंटर की सिलाई भी मैंने लगा दी है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बन गया है। यहाँ पे हमें प्रेस कर लेनी है जिससे सारी सिलाई हमारी एकदम अच्छे से बैठ जाए। ये हमारा स्टार का डिज़ाइन बन गया है। इतना डिज़ाइन बनने के बाद साइडों में हमें एक डिज़ाइन देना है, तो उसके लिए मैंने ये ग्रीन कलर का कपड़ा लिया है। तो ये मेजरमेंट में 2 इंच है, 2 इंच यहाँ से है, 2x2 इंच का ब्लॉक है। इसे हमें इस कॉर्नर में ऐसे लगाना है। तो ये 4 पीस है, चारों कॉर्नर में लगाएंगे। ये चारों कॉर्नर में लगा दिए हैं, अब इस डायरेक्शन में हमें ये तिरछी लाइन लगानी है। तो इसी तरह बाकी ब्लॉक्स के ऊपर भी ऐसे तिरछी लाइन लगाएंगे। जिस तरह से ये मार्किंग की है इसी तरह यहाँ पे सिलाई लगा देनी है, चारों पीसेस पे सिलाई मैंने लगा दी है। अब जैसे जितना हम सिलाई करते टाइम कपड़ा रखते हैं उतना रख के एक्स्ट्रा कट कर देंगे चारों पीसेस का। ये कटिंग हो गई है, अब इस तरह से इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे प्रेस कर लेनी है। प्रेस मैंने कर दी है, अब जैसे अगर थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हो गया है कपड़ा तो उसे हमें बराबर कर लेना है जिससे कि सिलाई करते टाइम हमें दिक्कत ना आए। तो एक पीस हमारा बन के रेडी हो गया है। ये पीस बन के रेडी हुआ है 10 इंच, इस साइड से भी 10 इंच है, 10x10 इंच का ये पीस बन के रेडी हुआ है। इसी तरह से हमें सेम साइज के 4 पीस बना लेने हैं। सेम साइज के 4 पीस रेडी हो गए हैं, अब इन पीसेस को अरेंज करेंगे। तो जैसे ये पीस है इस तरह से लगाना है, ये दूसरा पीस ऐसे लगाएंगे। इस तरह से ये 4 पीस मैंने लगा दिए। तो सेंटर में मैंने इस तरह से ये खाली रखा है प्लेस। यहाँ पर ये लाइट कलर की स्ट्रिप्स लगानी है, तो ये स्ट्रिप्स मैंने ली है 2.5 इंच, 2.5 इंच की है। तो लंबे में हम इसके बराबर लेंगे जितना ये पीस है हमारा। तो ये दोनों पीस इस तरह से हो जाएंगे। यही पट्टी हम इस साइड भी लगाएंगे, ये इस साइड लगेगी। चारों पीसेस में 4 पट्टी लगेंगी। ये चारों स्ट्रिप्स इस तरह से लग गई हैं। अब बीच में हमें ये रेड कलर का ये पीस लगाना है। ये हमारा 2.5 इंच है, यहाँ से भी 2.5 इंच है, 2.5x2.5 इंच का ये पीस है, ये यहाँ पे लगेगा। सारे पीस इसी तरह सेट हो गए हैं, अब इनको इसी तरह हमें सिलना है। जैसे ये लाइन है इसे हमें इस पीस के साथ ऐसे ज्वाइन करना है और इसके पीस के साथ इस तरह ज्वाइन करेंगे। ये दोनों साइड ज्वाइन करते हैं, ये साइड का पीस और ये साइड का पीस दोनों सिल दिए हैं। अब ये सेंटर का रह गया है, तो ये पीस इसके साथ सिलेंगे और ये इसके साथ ज्वाइन करते हैं। अब इस पीस को हमें इस पीस के साथ सिलना है, तो यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये दोनों पीस आपस में ज्वाइन हो गए हैं। अब ये पीस बचा है, ये भी हमें इस पीस के साथ सिलना है। तो ये हमारा जैसे ये है इसकी सिलाइयाँ, इनको बराबर रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। सारे पीसेस मैंने ज्वाइन कर दिए हैं, तो इस तरह से ये डिज़ाइन बना है। अब यहाँ पे हमें प्रेस कर लेनी है। प्रेस करने के बाद अब ये पीस हमारा इस मेजरमेंट में बना है 21 इंच। इस साइड से भी हमारा ये 21 इंच है, 21x21 इंच का ये पीस बना है। इतने पीस से जैसे हमारी बेबी बेडशीट बनके रेडी हो जाएगी। तो इसे थोड़ा और बड़ा हम करेंगे तो साइड में एक पट्टी देंगे, 2 पट्टी भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं। जैसे 3 कलर हैं, तीनों की 2-2 इंच की पट्टी देंगे दोनों साइड में, फिर उसके बाद दोनों साइड में देंगे। तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा और देखने में एकदम अच्छा लगेगा। इसके बाद अगर आपको जैसे बेडशीट बनानी है, तो जैसे मैंने ये पीस बनाया है इसी तरह हम पीस बनाते जाएंगे और आगे आगे ज्वाइंट करते जाएंगे। तो इस तरह ये डिज़ाइन भी हमारा आगे आगे बनता जाएगा, तो बहुत ही प्यारी हमारी एक बेडशीट बनके रेडी हो जाएगी।
फ्रेंड्स बेडशीट का डिज़ाइन हमारा बनके रेडी हो गया है। अब इस डिज़ाइन से आप चाहे कुशन कवर बनाएं, बेडशीट बनाएं या पिल्लो कवर बनाएं, कुछ भी अपनी इमेजिनेशन से बना सकते हैं। ये डिज़ाइन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो बेल बटन भी दबा लें जिससे कि मेरे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।